आइए देखते हैं अपना फोर्थ लेक्चर। थ्री लेक्चर्स हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं। किस बच्चे को? आपको कंडीशन के बारे में ना। इधर देखो बेटा, कंडीशन क्या है ये जरा टॉपिक देख लीजिए। जैसे कि बेटा बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन ऐसे नहीं कि कार्बन और हाइड्रोजन को लेकर आए पास में और वो रिएक्ट कर जाए। उसके लिए बेटा कुछ कंडीशंस हैं। क्या? पहली बात तो टेम्परेचर बेटा कितना होना चाहिए? 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इतना प्रेशर होना चाहिए, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ये बेटा प्रेशर है, ये टेम्परेचर है। फिर अगर आप यहाँ पर देखिए, जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड आपको नजर आ रहा होगा, इनको बोलते हैं बेटा कैटेलिस्ट। क्या बोलते हैं बेटा? कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट का क्या काम होता है? किसी भी रिएक्शन को फास्ट करा देना या स्लो करा देने को हम क्या बोलते हैं? कैटेलिस्ट। बेटा यहां पर जब रिएक्शन होगी तो ना ही आपको जिंक नजर आ रहा होगा, ना ही क्रोमियम नजर आ रहा होगा, बेटा ऑक्सीजन नजर आ रहा है क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो बेटा ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये वाले जो कंपाउंड्स हैं, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि भाई ये रिएक्शन जल्दी हो जाए। तो इस रिएक्शन को कराने के लिए ये क्या हैं? कंडीशंस हैं कि ये टेम्परेचर होना ही चाहिए, प्रेशर, ये टेम्परेचर होना ही चाहिए, इसके साथ में कैटेलिस्ट होने ही चाहिए, वरना ये रिएक्शन बेटा बहुत स्लो होगी। ठीक है, इसके बाद बेटा बात करें, जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड की बात करें, इसको बेटा हीट किया जाएगा। ये जो ट्राइंगल सिंबल नजर आ रहा है ये हीट है, इसको गर्म करना पड़ेगा और इसके लिए कैटेलिस्ट डालना पड़ेगा। क्या? मैगनीज ऑक्साइड। इस कैटेलिस्ट को अगर आप नहीं डालोगे तो ये रिएक्शन बहुत स्लो होगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये बेटा कंडीशंस हैं कि अगर आपने ये चीज़ें अप्लाई नहीं की तो ये शायद रिएक्शन हो ही ना, या होंगी भी तो बहुत स्लो। बैलेंसिंग के बारे में लेक्चर मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जिसमें मैंने आपको बताई दिया है कि बैलेंसिंग का मतलब क्या है। ठीक है, इफ द नंबर ऑफ, चलो अभी बात करते हैं, बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। जैसे कि मैं एक एनसीईआरटी का मैंने ये क्वेश्चन लिया है बैलेंसिंग के लिए, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। ठीक है बेटा, हाइड्रोजन, उन्होंने खुद ऐसे ही दिया हुआ है, ठीक है, हाइड्रोजन एंड क्लोराइड रिएक्ट्स टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अरे अरे मैं कहाँ जाऊँ, इसको बेटा बैलेंस करना है। ठीक है, पहले तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, ये केमिकल रिएक्शन है, इसको केमिकल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। फर्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक तो ये डायरेक्टली बैलेंसिंग आ सकती है कि वो आपको डायरेक्टली केमिकल इक्वेशन लिख कर दे दे, दूसरी ये हो सकती है कि वो आपको ऐसे केमिकल रिएक्शन दिख दे और केमिकल इक्वेशन आपको बनानी पड़े। कई बार ऐसा होगा कि वो सिर्फ स्टेटमेंट दे देंगे और उस केस में आपको खुद से बनानी पड़ेंगी। ठीक है, तो जरा देखिए, सबसे पहले तो केमिकल इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन में कन्वर्ट करते हैं। बेटा हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर में H2 की फॉर्म में मिलता है, कभी भी H की फॉर्म में नहीं मिलता। ठीक है, प्लस क्लोरीन बेटा हमेशा Cl2 की फॉर्म में मिलता है, कभी भी Cl की फॉर्म में नहीं मिलता, मतलब क्लोरीन ऐसे नहीं मिलता। हाँ हाँ, क्लोरीन भाई, क्लोराइड ही। अब इधर देखो, क्लोरीन होगा यहाँ पर, इधर देखो जरा, हाइड्रोजन क्लोराइड कैसे बनेगा? HCl। ठीक है, ये क्लोरीन होना चाहिए, यहाँ पर क्लोराइड लिख दिया बाय मिस्टेक, देख लेना एक बार NCERT में क्लोराइड लिखा हुआ या फिर क्लोरीन, क्लोरीन होगा यहाँ पर। यहाँ पर बेटा ये आपका क्या है? रिएक्टेंट। क्या है बेटा? और ये क्या है आपका? प्रोडक्ट। अब बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? ये जो बेटा रिएक्शन है, ये कैसी रिएक्शन है बेटा? अनबैलेंस्ड। कैसे पता चला? अनबैलेंस्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, ये अनबैलेंस्ड है। कैसे पता चला जरा देखिए, हमें यहां पे लिखना होते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स और नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स। अगर मैं यहां पर देखूं तो हाइड्रोजन कितने हैं? 2। प्रोडक्ट में देखो तो सिर्फ 1। अगर मैं बेटा क्लोरीन यहां पर देखूं तो 2, यहां पर सिर्फ 1। तो इफ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट
आर इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट आर सेम आर इक्वल देन रिएक्शन इज सेट टू बी बैलेंस अदरवाइज अनबैलेंस। और आप यहां पर देख सकते हो कि जितने एटम्स रिएक्टेंट में प्रेजेंट हैं उतने प्रोडक्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो क्या करें भाई, हाइड्रोजन यहां पर 2 है, यहां पर भी 2 हो सकते हैं, कैसे, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बेटा क्या हो जाएगा 2, समझ रहे हो। लेकिन बेटा ये ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगा, जरा समझिए, आप सोचो यहां पर 2 लगा दें बेटा, ऐसे अगर आपने किया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि केमिकल फॉर्मूला बनता है उनकी वैलेंसी के हिसाब से, हाइड्रोजन की भी 1 होती है वैलेंसी और क्लोरीन की भी, तो इनका फॉर्मूला बनेगा HCl, H2Cl नहीं होगा बेटा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बेटा ये जो 2 आपने यहां पे लगाया है ये गलत है, आपको क्या करना होगा, इस 2 को यहां से हटाना होगा। और कैसे लगाना होगा जरा देखिए, HCl, इस 2 को बेटा सिर्फ आप आगे लगा सकते हो, सिर्फ आगे लगा सकते हो बेटा। और जब आप आगे लगाओगे तो बेटा ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, हाइड्रोजन से भी और क्लोरीन से भी, तो क्लोरीन भी कितने हो गए 2, और देखो यहां पर भी 2 है और यहां पर भी। तो अब आप बैलेंस्ड इक्वेशन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है, एक तो बेटा H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl, बेटा इस 2 को आप यहां मत लगाना, बस आपको माइंड में सोचना है, ठीक है, ये अनबैलेंस है ये बैलेंस्ड है, समझ में आ रही बात या नहीं। तो इस तरीके से बेटा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर देखो जरा NCERT का ये भी क्वेश्चन है, इसमें बेटा आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दिया हुआ है और आपको बनाना है इसको, ठीक है, कैसे बनाओगे जरा देखिए। वो आपसे क्या कह रहे हैं, वो बोल रहे हैं सोडियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड, होगा बेटा ये गलत हो गया है, सोडियम हाइड्रो सही, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ सही है सही है सही है सही है, एंड हाइड्रोजन, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, मुझे लगा हाइड्रोजन, बेटा जरा देखिए मैंने रिएक्शन लिखी हुई है। तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, सोडियम मेटल को किससे रिएक्ट करा रहा हूँ बेटा, वाटर से। तो क्या बनेगा, एक तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, हाइड्रोजन, बेटा यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, हाइड्रोजन बनेगा, क्या बनेगा, हाइड्रोजन लिखा हुआ भी है बेटा, PPT बनाते वक्त थोड़ी बहुत गलती हो जाती है, यहाँ पर क्या आएगा बेटा, हाइड्रोजन, क्योंकि दिया हुआ ना फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। अब बेटा ये आपके पास थी स्टेटमेंट, इससे मैंने पहले केमिकल इक्वेशन रिएक्शन लिखी, अब बेटा आपको केमिकल इक्वेशन बनानी है, कैसे बनाओगे बेटा, सोडियम का पहले तो आपको सिंबल पता होना चाहिए, वाटर का आपको बेटा सिंबल पता होना चाहिए H2O, फिर बेटा क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा क्या होता है NaOH, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऐसा क्यों होता बेटा जरा समझिए, समझा देता हूं थोड़ा सा, ये बेटा जो वाटर का मॉलिक्यूल है ये होता है H2O, कुछ ऐसा होता है, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, जब बेटा ये रिएक्ट करता है जाकर तो बेटा ये ब्रेक कर जाता है, और जब ब्रेक करता है तो एक हाइड्रोजन प्लस आयन रिलीज होता है और OH नेगेटिव आयन रिलीज होता है। तो बेटा सोडियम की वैलेंसी प्लस 1 और OH नेगेटिव आयन -1, तो बेटा पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता ही है क्या करते हैं, अट्रैक्ट, इसीलिए क्या बनाते हैं NaOH। अब बेटा देखो यहां पर और साथ में क्या निकलेगा बेटा, हाइड्रोजन, या हाइड्रोजन कहां से बना जरा समझिए, ये बना है बेटा, हमें तो इतना ही पता है ना, लेकिन ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड वही तो हमें चेक करना है। तो मैं अगर देखूं यहां पर सोडियम है 1, यहां पर भी सोडियम 1 है, यहां पर हाइड्रोजन 2 है, यहां पर हाइड्रोजन 3 है बेटा, 2 नहीं है, और इसका मतलब यह है कि हाइड्रोजन जो है वो अलग अलग है, नंबर ऑफ
एटम्स प्रेजेंट इन ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट। समझ में आ रही बात है? नहीं। इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है बेटा? अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करोगे जरा देखिए। ये बेटा रिएक्शन है अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड। इसको बैलेंस करने के लिए मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा सबसे पहले क्या, ये है आपका रिएक्टेंट और ये है आपके प्रोडक्ट्स। अब जरा देखिए, नंबर ऑफ सारे एटम्स लिखोगे, नंबर ऑफ सोडियम एटम्स, सोडियम एटम्स, इसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, इसके बाद बेटा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है बेटा, इसके अलावा तो कुछ नहीं है? नहीं है। लिख लेते हैं बेटा कितने कितने हैं। सोडियम यहां पर है 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। यहां पर बेटा जरा ध्यान देना, सोडियम है 1 और बेटा हाइड्रोजन यहां पर टोटल कितने हैं 3, और 3 नहीं लिखोगे आप बेटा, इसको आप लिखोगे 1+2। ऐसे मत लिख देना यहां पे 3 और यहां पे 2, टोटल 5। अगर ऐसा लिख दिया तो बेटा कभी जिंदगी में आप बैलेंस ही नहीं कर पाओगे। समझ गए? क्यों नहीं कर पाओगे अभी समझ में आ जाए। अरे भैया यहां पर एक हाइड्रोजन और यहां पर 2, टोटल तो 3 आ रहा है, बस अलग अलग लिखना है। अगर यहां पे अलग अलग है तो यहां पर भी आपको अलग अलग ही लिखना है। क्यों लिखना है अभी आपको समझ में आ जाएगा। इसी रिएक्शन को बेटा मैं पहले नीचे लिख लूंगा, Na+, किसी दूसरे पेन से लिखता हूं। इधर देखो जरा, ये है बेटा Na+ H2O gives what? NaOH। बेटा इस रिएक्शन को पहले ही नीचे लिख लेना, आपको ऊपर कुछ करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, सोडियम तो इक्वल है तो सोडियम में तो कुछ करना ही नहीं है। हाइड्रोजन बेटा क्या है? कुछ गड़बड़ है। और ऑक्सीजन भी तो गड़बड़ है, जो ऑक्सीजन देख लेता हूँ, ऑक्सीजन कितने हैं? अच्छा ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन में कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बेटा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 2 यहाँ पे तो लगा नहीं सकता मैं, आपको सामने ही लगाना पड़ेगा। जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इस हाइड्रोजन में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और इस हाइड्रोजन के साथ साथ इस सोडियम से भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। यहाँ पर देखो ना, यहाँ पर देखो सोडियम, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन से 2 से मल्टीप्लाई हुई, साथ में सोडियम से भी मल्टीप्लाई हो गई और साथ में ऑक्सीजन से भी हो गई। बताइए कोई दिक्कत? जब 2 लगाया तो तीनों जगह हो गई मल्टीप्लाई। सर आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे 2 लगेगा? तो बेटा ऑब्वियसली यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 3 हैं, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ तो 3 बन जाए, 3 तो बनने का नहीं, तो पहले मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जिससे कि ये 4 बन जाए, और 4 बनने से कुछ हो सकता है काम। ठीक है, तो ये बन गया बेटा। अब जरा देखो, अब बेटा यहाँ पर जरा देखिए, सोडियम यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो मैं अगर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बेटा सोडियम भी कितने हो जाएंगे? 2। सोडियम बराबर हो गए। अब बेटा दिक्कत आ रही है हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन है 4 और यहां पर कितने हैं बेटा? सिर्फ 2। तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 जा कितने हो जाएंगे? 4। और इधर भी देख लो बेटा कितने हैं? 4। लेकिन हुआ क्या, जब मैंने यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया तो साथ में ऑक्सीजन से भी 2 से मल्टीप्लाई हो गई, और हो मल्टीप्लाई होने से बेटा अच्छा ही हुआ। बेटा ये देखो कौन सी अपनी दुनिया में मस्त है, इसे कोई लेना नहीं, इसे लग रहा है मुझे आ गया समझ में। जब बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन से भी मल्टीप्लाई हो गई और साथ में ऑक्सीजन से भी हो गई, और मल्टीप्लाई होने से बेटा हुआ क्या, सब कुछ बैलेंस हो गया। जरा देख लो, तो क्या किया किया हमने बैलेंस करने के लिए, एक तो सोडियम में 2 से मल्टीप्लाई किया, हमने यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया और हमने यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, यहां पर नहीं किया। अब कैसे पता चलेगा सर कि यहां पे करना है यहां पे नहीं करना? बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अच्छा यहां पर मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूं बेटा, आपको यहां पे कुछ भी नहीं लिखना है, आप पहले यहां पे कैलकुलेट कर लेना और फिर नीचे लिख देना, या फिर नीचे एक बार और लिख लो रिएक्शन और वहां पर सॉल्व करके लिखना। ठीक है, ये अनबैलेंस है, बैलेंस यहां पे क्या लिखोगे बेटा? बैलेंस्ड केमिकल
इक्वेशन। बताइए कोई दिक्कत? ये हो गए बेटा हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखो एनसीईआरटी का और एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए जरा। वो आपसे क्या कह रहे हैं, हीट आयरन मेटल हीटेड, अच्छा हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट्स विद स्टीम। तो आयरन मेटल बेटा किससे रिएक्ट कर रहा है, स्टीम से, टू फॉर्म आयरन ऑक्साइड। क्या फॉर्म करता है बेटा, आयरन ऑक्साइड फॉर्म करता है, और बेटा क्या फॉर्म करता है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो आयरन बेटा रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, स्टीम के साथ। तो आयरन प्लस स्टीम बेटा, ये दोनों जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन। बात समझ में आ रही है? अब जरा देखो, तो आयरन एंड स्टीम रिएक्ट्स टू फॉर्म, ये रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा। समझ में आ रही बात या नहीं? अब जरा देखो, अच्छा मैंने नेक्स्ट ये मैंने लिखा नहीं है, देखो इधर जरा बेटा, आयरन होता है एफ ई, स्टीम होता है बेटा एच टू ओ। भाई वाटर जो है वो थ्री फॉर्म्स में मिलेगा आपको, सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा, और गैस में भी मिलेगा। ये बेटा किस स्टेट में है, गैस स्टेट में है। ये बेटा जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड का बेटा फॉर्मूला यहां पर भी दिया हुआ है, और अगर नहीं दिया हुआ होता तो बेटा मैं क्या करता, विद द हेल्प ऑफ वही वैलेंसी की हेल्प से बनाता। ठीक है, अब जरा देखो, अच्छा बेटा यहां पर देखो आयरन का फॉर्मूला बेटा कुछ अलग नजर आ रहा होगा, Fe3O4। तो यहां पर बेटा आयरन की वैलेंसीज अलग अलग होती हैं, वो आपने पढ़ा होगा। ठीक है, आइसोबार और आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा होगा आपने। हाइड्रोजन बेटा क्या होता है, H2 होता है। क्लियर हो गई बात यानी? अब बेटा इसको हमें चेक करना है कि ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। आयरन यहां पर भी एक, यहां पर थ्री, तो बेटा ये क्या हो गया, अनबैलेंस्ड। क्या हो गया बेटा, पहले ही से ही पता चल गया। अब बेटा हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है बेटा एक तो रिएक्टेंट, हाँ हाँ बिल्कुल लिख सकते बेटा। अब बेटा यहां पे क्या क्या है जरा देख लीजिए, नंबर ऑफ आयरन एटम्स, फिर क्या है बेटा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, फिर क्या है बेटा नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। अगर आप एक चीज देखो तो बेटा जो एटम्स यहां पर होंगे वही एटम्स राइट हैंड साइड में होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहां पर बेटा आयरन और यहां पर बेटा क्या आ जाए, सल्फर या सोडियम आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए बेटा, आयरन के कितने एटम्स हैं यहां पर, वन, यहां पर कितने हैं बेटा, थ्री। हाइड्रोजन यहां पर है टू, और यहां पर भी कितने हैं, टू, तो ये तो ठीक है। ऑक्सीजन बेटा यहां पर है वन, और यहां पर है बेटा फोर। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है, बैलेंस, बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया था, पहले नीचे लिख लो अगर आपको ये चेक करना है कि भाई कैसे लिखें, तो इसको नीचे लिख लोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। एफ ई प्लस एच टू ओ क्या देगा आपको, एफ ई थ्री ओ फोर प्लस एच टू। ठीक है, अब जरा देखो बेटा, एफ ई अगर मैं इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं, इसको अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहां पर भी आयरन थ्री हो जाएंगे और उधर भी थ्री हैं, तो आयरन बेटा हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे, बैलेंस। इसके बाद बेटा बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो इक्वल है ही, दिक्कत किसमें आ रही है बेटा, ऑक्सीजन में। अगर बेटा यहां पर ऑक्सीजन फोर है, मैंने गलत लिख दिया बेटा, यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं, फोर, अरे हाँ सही तो है, ठीक है। तो बेटा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पर ऑक्सीजन फोर है, मुझे यहां पर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फोर से। अगर मैं यहां पर फोर से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब ऑक्सीजन में फोर से मल्टीप्लाई कर दूं, तो बेटा ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, इक्वल। लेकिन दिक्कत यह है कि जब आप फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो साथ में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाइड्रोजन से भी।
तो बेटा जब ये 4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितने आ जाएंगे 8। अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन अकेला है तो अच्छी बात है, डायरेक्टली अगर आप यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा ये भी कितने हो जाएंगे 8। समझ में आ रही बात या नहीं? तो इस तरीके से आपको पहले देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको बैलेंसिंग करनी है। जल्दबाजी नहीं करनी, यहाँ 4 लगाया, 5 लगाया, 6, आपको मेंटली पहले एक बार कैलकुलेट कर लेना, अच्छा यहाँ पे 3 लगा दूँ, यहाँ पे 2 लगा दूँ, यहाँ पे 4, तो बात बन जाएगी। ओरली यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे करके, या रफली भी कर सकते हो आप, ठीक है? तो पहले अनबैलेंस, फिर ये लिखोगे और फिर ये बैलेंस्ड। क्लियर हो गई बात या नहीं? अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेटा, हाँ जी बेटा, बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो कह रहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। अब आपको बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता हो, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता हो, फिर ये दोनों बेटा रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर। अगर ये बेटा फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो भूल जाओ, रिएक्शन की बैलेंसिंग में तो बाद में ही आओगे ना, पहले तो आपको फॉर्मूले याद हो, है ना? अब बेटा आ जाओ इस पे। बेटा कैल्शियम हाइड्रोऑक्साइड, देखो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और हाइड्रोऑक्साइड की वैलेंसी होती है 1, अगर आपने पढ़ा हो तो। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको इससे, फॉर्मूला बेटा यही बनेगा। अब ये 2 जो है वो ऐसे नहीं लगता, ऐसे, इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो सिर्फ हाइड्रोजन से लग रहा है, जब आप ब्रैकेट लगा देते हैं तब बेटा ये पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा, होल ट्वाइस आएगा। समझ में आ गई बात यानी? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आ गया। बेटा कार्बन डाइऑक्साइड मुझे लगता है कि सभी बच्चों को पता होगा, ये दोनों बेटा जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, CaCO3। कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है? कैल्शियम कार्बोनेट और बेटा वाटर का तो सबको ही पता है, H2O। तो पहले तो आपको केमिकल रिएक्शन से केमिकल इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, और इस चीज़ की बेटा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लिख लिख कर बार बार, ठीक है? और जो फॉर्मूले याद नहीं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट का आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो लिखो और उसे 3 to 4 times, 5 times लिख कर उसे याद करो। अगर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले तो आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, है? और अगर नहीं आता है तो बेटा फिर आपको हाइड्राइड, सल्फाइड जितने भी होते हैं वो सारे आपको याद करने हैं, ठीक है? अब बेटा इसकी बैलेंसिंग देखते हैं, ज़रा बैलेंसिंग देखो ज़रा, ये कैसी रिएक्शन है बेटा, अनबैलेंस्ड एकदम, मत लिख देना अनबैलेंस्ड, पहले चेक भी कर लेना। लास्ट क्लास मैंने आपको सिखाया था कि बेटा रिएक्शन 2 तरीके हो सकती हैं, बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। ये बेटा कैसी रिएक्शन है, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड इक्वेशन या रिएक्शन। यहां पर बेटा आपको क्या क्या लिखना है जरा देख लीजिए, ये है आपका रिएक्टेंट्स और ये है आपका प्रोडक्ट्स। यहां पर आपको देखना है नंबर ऑफ कैल्शियम एटम्स, यहां पर फिर नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, हाँ ये देखते हैं, एक ऑक्सीजन 2 and 2 4 4 बैलेंस है तो है, ये बैलेंस्ड है, चलो मैंने लिख दिया कोई बात नहीं। बेटा यहाँ पर भी देखो, इधर सुनो, मैंने चेक नहीं किया बेटा, इसीलिए कह रहा हूँ चेक कर लेना, क्योंकि फालतू मेहनत करने की ज़रूरत है नहीं, मैंने भी चेक नहीं किया। इधर देखो कैल्शियम यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर ज़रा देखिए ये 2 दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, टोटल कितने हो गए 4। यहाँ पर देखो 3 यहाँ पर और यहाँ पर 1 है, तो 3 + 1 कितने हो गए 4, ठीक है? तो बेटा आपको भी यहाँ पर अगर आप लिखोगे भी तो कैसे लिखोगे ज़रा देख लो, लिखकर कैसे दिखाओगे कि भाई ये बैलेंस्ड है, आपको करना तो बेसिकली यही पड़ेगा। यहाँ पर देखो बेटा हाइड्रोजन हो गया और नंबर ऑफ कहाँ पर ये, अरे सी यहाँ पर है तो सही, कार्बन कोई सा भी लिख सकते हो ऊपर नीचे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब जरा देखो यहां पे कैल्शियम कितने हैं, वन, यहां पर भी कितने हैं, वन, यहां पर कार्बन कितना है, वन, यहां पर भी कितना है, और यहां पर हाइड्रोजन है टू, यहां पर भी हाइड्रोजन कितने हैं टू, यहां पर ऑक्सीजन है बेटा टू प्लस टू विच इज इक्वल टू फोर, यहां पर ऑक्सीजन कितने बेटा थ्री प्लस वन विच इज इक्वल टू फोर। तो अब आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे बेटा सिंस नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट आर इक्वल टू इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट देयरफोर इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्या लिख दिया, कुछ गड़बड़ लिख दिया, एटम्स प्रेजेंट इन प्रोडक्ट्स देयरफोर इक्वल इक्वेशन होना चाहिए, इक्वेशन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, ठीक है। अच्छा यहां पे अनबैलेंस मत लिखना, ये बाद में लिखना, ठीक है, चेक करने के बाद। इस तरीके से आप बताओगे कि रिएक्शन बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। समझ में आ गई बात, इन आगे देखिए जरा बेटा, एल्यूमिनियम और कॉपर क्लोराइड ये दोनों बेटा रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब एल्यूमिनियम का आपको सिंबल पता होना चाहिए और कॉपर क्लोराइड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ये दोनों बेटा रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में क्या बनाएंगे बेटा, कॉपर, ठीक है। अब बेटा इसके फॉर्मूले अगर आपको याद हैं तो बेटा एल्यूमिनियम का सिंबल होता है Al और कॉपर क्लोराइड का होता है CuCl2। ये दोनों बेटा रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में कॉपर, ठीक है। अब हमें चेक करना है बेटी, एल्यूमिनियम यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, कॉपर यहां पर भी एक है, यहां पर भी एक है, लेकिन बेटा क्लोरीन कम ज्यादा है, यहां पर क्लोरीन दो है और यहां पर क्लोरीन तीन है। समझ में आ रही बात है नहीं, तो बेटा इसलिए इक्वेशन इज ये कैसी है बेटा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन। अब हमें बैलेंस करने के लिए बेटा क्या करना पड़ेगा, ये ले लीजिए आप बेटा, क्या ये है आपका रिएक्टेंट और ये क्या है आपके, समझ में तो नहीं आ रहा बेटा आप लोगों के, इधर देख लो जरा, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स यहां पर बेटा क्या है, नंबर ऑफ कॉपर एटम्स, फिर आगे क्या है बेटा क्लोरीन, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम्स, कोई दिक्कत, देखिए जरा नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स यहां पर कितने हैं, वन, यहां पर भी कितने हैं, वन, यहां पर बेटा कॉपर कितने हैं, वन, यहां पर भी कॉपर कितने हैं, वन, यहां पर क्लोरीन कितने हैं, टू, यहां पर भी क्लोरीन कितने हैं, टू, थ्री है, अच्छा सॉरी गलती से मिस्टेक, क्लोराइड ही तो बोल रहा हूँ मैं, क्या बोल रहा हूँ, अरे क्लोरीन तो तीन ही है यहाँ पर, क्लोराइड तो फॉर्मूला बनता है ना, क्लोरीन के एटम्स कितने हैं, तीन ही। आप जरा देख लीजिए, देखो इधर जरा, मैंने आपको बताया था पहले तो इसको लिख लो नीचे, आपको बैलेंस करना ईजी हो जाएगा, CuCl3 ये रिएक्ट करके क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड और साथ में क्या बनाएगा बेटा, कॉपर। अब जरा देखिए ये तो बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ऑब्वियसली इन्हीं को बैलेंस करना पड़ेगा, कैसे, अगर मैं यहां पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 6 बन जाएंगे और यहां पे किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, तो 6 बन जाएगा, ठीक है बेटा। लेकिन जब आप क्लोरीन में यहां पे 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो साथ में किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉपर में भी हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर बेटा
यहां पर आपने किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, क्लोरीन से, किससे, टू से किया है ना, टू से किया है। क्लोरीन को बेटा बैलेंस करने के चक्कर में क्या हुआ, एल्यूमिनियम में किससे मल्टीप्लाई हो गया, टू से, तो ये क्या हो गया, अनबैलेंस। समझ में आ रही बात या नहीं? तो बेटा अब हमें क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान से देखिए, मुझे कॉपर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा थ्री से, तो ये हो जाएंगे थ्री, और मुझे एल्यूमिनियम में करना पड़ेगा किससे मल्टीप्लाई, टू से, टू से। समझ में आ रही बात या नहीं? तो बेटा यहां पर टू से मल्टीप्लाई होगी, फिर ये क्या हो जाएगा, बैलेंस। तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, आप बेटा ऊपर कुछ भी मत करना, नीचे करना, ठीक है, बस वो समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। एल्यूमिनियम में मैंने टू से मल्टीप्लाई किया, यहां पर थ्री से मल्टीप्लाई किया, यहां पर टू से मल्टीप्लाई किया, और यहां पर थ्री से मल्टीप्लाई किया, और ऐसा करने के बाद ये रिएक्शन कैसी बन गई बेटा, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। समझ में आ रही बात या नहीं?